बांका के नगर थाना क्षेत्र के नवटोलिया मोहल्ले में हुए मदरसा भवन में विस्फोट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो मदरसे के अंदर आईईडी का ब्लास्ट हुआ है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर पहुंचे डीआई सुजीत कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। यहां से कुछ साक्ष्य संकलित किए हैं और जो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके बारे में भी हम लोग अभी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और क्या है, किस परिस्थिति में हुआ है, इसको भी जानने में थोड़ा और समय लगेगा। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद पूरा गांव खाली है, ये भी जांच का विषय है। फॉरेंसिक टीम ने यहां से जांच के नमूने लिए हैं, तहकीकात के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि किन परिस्थितियों में मदरसे की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। हादसे के बाद गांव में इक्का दुक्का बुजुर्ग ही नजर आ रहे हैं। संवाददाता से बातचीत के दौरान एक बुजुर्ग ने बताया कि हमले में एक मौलवी की मौत हो गई है, लोग गांव में क्यों नहीं हैं मुझे नहीं मालूम। वहीं नूरी मस्जिद के जांच के दौरान महरूम मौलाना अब्दुल मोमिन अंसारी से जुड़े कुछ अहम कागजात भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मौलाना 17 मई को जिला प्रशासन से ई पास लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित सौदग्राम किसी कार्य में गए हुए थे। इसके अलावा कुछ मेडिकल कागजात भी मलबे से बरामद हुआ है और सिलेंडर भी मिला है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि महरूम मौलवी अब्दुल मोमिन का तबलीगी जमात से ताल्लुक था, हालांकि बांका पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। एफएसएल टीम को विस्फोट में मिले बारूद के अंश एक बक्से में रखा मिला है। जानकारी के मुताबिक मदरसे के अंदर के कार्यालय के एक बक्से में बम था जो विस्फोट कर गया। बम की क्षमता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मदरसा पूरी तरह जमींदोज हो गया है और आसपास के कई घरों में भी दरारें आ गई हैं। यहां से कुछ साक्ष्य संकलित किए हैं और जो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके बारे में भी हम लोग अभी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और क्या है, किस परिस्थिति में हुआ है, इसको भी जानने में थोड़ा और समय लगेगा। सर प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टिया तो आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक मदरसा की एक पूरी स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग जो थी वो अब नहीं है, ध्वस्त है और इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो किन परिस्थितियों में यहाँ पे क्या रखा हुआ था, क्यों ब्लास्ट हुआ है, इसी को हम लोग अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर पूरा गांव खाली है, क्या लग रहा है? ये भी एक जांच का विषय है कि ब्लास्ट होने के बाद गांव के लोग जो है वो, कल तो प्रत्यक्षदर्शी कुछ हम लोगों को मिले थे और कल हम लोगों ने बहुत लोगों का बयान भी दर्ज किया है, बहुत सारी महिलाएं भी थी, कुछ पुरुष भी थे, बट अभी कुछ लोग यहां पे आसपास नहीं हैं, तो वो भी एक जानने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों इस तरह से गांव के लोग आसपास अभी नहीं हैं। सर इमाम के बारे में कोई जानकारी है कि यहाँ 10 साल रहने के बाद वो हिजाम चले गए थे, फिर यहाँ आए सारा के ये सब अनुसंधान का विषय है, उसको अभी इतना आपके साथ शेयर कर पाना संभव नहीं। थैंक यू सर। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से पास के गांव मजलिसपुर से इस गांव का विवाद चलता रहा है। बता दें कि नवटोलिया और मजलिसपुर गांव में 20 दिन पहले भी विवाद हुआ था। विवाद और मदरसे में रखे बम को एक साथ जोड़कर पुलिस जांच कर रही है। बांका से कुंदन भगत की रिपोर्ट।